शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये तो महल का पुराना मंदिर है। तुम जानती हो ना कि हम मूर्ति के आसपास भी नहीं जा सकते। आपको किसने कहा मूर्ति के आसपास जाने के लिए? वो मणि, मणि इसी मंदिर के पीछे पुराने महल के खंडर के नीचे तहखाने के अंदर है। ये कैसे हो सकता है? सुनैने की छूने से कुंजी खाचा कैसे दिखने लगा? अभी तो यहाँ कुंजी खाचा नहीं था, फिर अचानक कैसे आ गया? अगर यहाँ कुंजी खाचा है तो चाबी भी होगी, मुझे ढूंढना होगा। फिर मैं चाबी ढूंढने लगी पर मुझे कहीं नहीं मिली। पहले वो अजीब चमकीला अंडा और अभी रहस्यमय द्वार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था राज। चमकीला अंडा कहाँ दिखा तुम्हें वो अंडा? चमकीला अंडा कोई साधारण अंडा नहीं है। हमें अग्निवंशी परिवार के लोगों ने बताया था कि उस चमकीले अंडे का निर्माण 5 काली शक्तियों से हुआ है ताकि चंद्रमणि प्राप्त की जा सके। आखिर सुनैना के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसके छूने से वो कुंजी खाचा दिखाई देने लगा? सुनैना की आत्मा पवित्र है, इसलिए उस पर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। और अब तुम सुनैना के बारे में सोचना बंद करो और इस द्वार की चाबी को ढूंढना शुरू करो। अगर उस तहखाने की चाबी किसी काली शक्ति को मिल भी जाती है तो कोई बात नहीं, चंद्रमणि को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। चंद्रमणि की रक्षा नाग जाति के लोग करते हैं और नाग जाति के लोग किसी भी काली शक्ति को मणि तक पहुंचने नहीं देंगे। ये तो अच्छी बात है माँ, अम्बे माँ की कृपा से अभी तक वो मणि सुरक्षित है। पर अधिराज, हमें उस बंद द्वार के बारे में पता लगाना होगा। तुम चिंता मत करो सुनैना, हम उस द्वार का भी पता लगा लेंगे।
कृष्णारिणी सर्पिणी कृष्णारिणी। आज पति पर बहुत प्यार बरसा थी। चली भी गई। अधिराज आप तैयार हो गए ना? हम तो तैयार हैं सुने ना, पर तुमने गहने क्यों उतार दिए? क्योंकि मैंने पहले से इतने सारे गहने पहन रखे हैं। अच्छा, हमें सिंदूर तो लगा लेने दो। हाँ अधिराज, सिंदूर ही मेरा सबसे बड़ा गहना है। इतने अच्छे पल थे, पर इस सुनैना ने असमय आकर सब कुछ खराब कर दिया। पर अब और नहीं, अब तो मैं अधिराज के साथ अधिक से अधिक समय बिताऊंगी, क्योंकि अधिराज सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इस सुनैना के कारण ना तो हम अधिराज के साथ प्रेम कर पाए और ना ही अधिराज मेरी मांग भर पाया। पर मंदिर तो मैं ही जाऊंगी उसके साथ। आज मैं सुनैना को अधिराज के साथ पूजा करने बिल्कुल नहीं दूंगी। सुनैना, क्यों तुम ठीक हो ना? इस सर्पिका का ध्यान मणि पर नहीं, बस अधिराज पर है।
चल। अरे अरे संभाल के। दर्द हो रहा होगा ना सुनन, हम अभी वैद्य जी को बुलाते हैं। नहीं अधिराज, वैद्य जी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी छोटी सी मोच है, हम मंदिर चलते हैं ना। नहीं, तुम यहीं विश्राम करोगे, मंदिर हम अकेले जाएंगे सुनन। नहीं अधिराज, मंदिर हम साथ में जाएंगे, हम दोनों मिलकर पूजा करेंगे। सुने ना, हमारी बात को समझो, तुम चलोगी तो तुम्हें और अधिक दर्द होगा, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं विश्राम करोगे, हम मंदिर जाकर आते हैं। मोहिनी। हाँ जी राजा साहब। तुम रानी साहब के साथ रहना और उनका पूरा ध्यान रखना। जी राजा साहब। हम अभी आते हैं। अभी आती हूं। हमें पता है तुम क्या करना चाहती हो। प्रणाम राजा साहेब। राजा साहेब की जय। राजा साहेब की जय। आज रानी साहेब नहीं आई पूजा के लिए? उनके पैर में थोड़ी चोट आई है, वो कल से आरती में सम्मिलित हो जाएंगे। जी आई है, आइए महाराज। क्या है? तुमने सुनैना का रूप धारण क्यों किया है? क्योंकि मैं राजा साहिब के साथ पूजा में बैठना चाहती हूँ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? अगर किसी को तुम पर संदेह हो गया तो क्या होगा, सोचा तुमने? और वैसे भी इस वक्त अधिराज के साथ पूजा में बैठने से अधिक महत्वपूर्ण है उस द्वार की चाबी को ढूंढना, समझी? छोड़ दो इसे। अंबे की जय। रानी साहब आ गई, रानी साहब आ गई। अरे रानी साहब आ गई। अब इसे पूजा में आने का बहुत मन हो रहा था तो हम इसे साथ में ले आए। कैसे नहीं आती? आखिर मेरी अंबे माँ की पूजा जो है, एक छोटी सी चोट मुझे मेरी अंबे माँ से दूर नहीं कर सकती। ये तो अपशगुन है, पता नहीं मुझे डर सा लग रहा है। रानी माँ, माता के मंदिर में कोई अपशकुन कोई अशुद्धता नहीं होती बेटा, इससे तुम निश्चिंत होकर पूजा करो। कितनी बार समझाएं तुम्हें कि अगर तुम अपनी राह से भटकोगी तो कहीं की नहीं रहोगी। चंद्रलेखा, वो राजा मुझे बहुत पसंद है। हम जानते हैं, मगर तुम भी ये
जान लो कि अधिराज सुनैना से बहुत प्रेम करता है, उनका रिश्ता अटूट है, बिल्कुल उनके भगवान राम और सीता की तरह। हमें कुछ नहीं पता, अधिराज सिर्फ मेरा है और वो मुझे चाहिए, और हमें चंद्रमणि चाहिए। हम तुमसे एक वादा करते हैं। वादा? कैसा वादा? तुम अधिराज को पाना चाहती हो ना, तो हम उसे पाने में तुम्हारी मदद करेंगे, पर उससे पहले तुम्हें हमें उस द्वार की चाबी ढूंढकर मणि तक पहुंचने में हमारी मदद करनी होगी। हो जाएगा। बार बार किसी खतरे से सावधान रहने का संकेत दे रहे हैं, पर हमें किससे खतरा है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ। खतरा आएगा, दूरियां लाएगा, रिश्ते बिगड़ेंगे, दर्द बढ़ जाएगा। अलोक निरंजन, मैं एक सांप को देखा, तब से मुझे लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सिर्फ सर्प नहीं, काली शक्ति है वो, विस्तर भी है और भयंकर भी है वो। दिखने वो एक है और रूप उसके अनेक हैं, छल है, बल है, काल भी है, स्त्री नहीं, ब्रह्मजाल भी है वो। बाबा, हमारी मदद कीजिए। अधिराज, मेरे अधिराज, आप सिर्फ मेरे हैं। वो सुने ना, वो आपकी प्रेमिका बनने की भी लायक नहीं है और आपने उसे पत्नी बना लिया। क्यों अधिराज? अब और नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब हमारे बीच में मैं किसी को नहीं रहने दूंगी, किसी को भी नहीं। हम दोनों सर्प और विष की तरह एक दूसरे में खोकर जिएंगे, हमेशा हमेशा। Harmonious.
पास एक भयंकर काली शक्ति है। इसका पता लगाने के लिए इस पूजा का करना अति आवश्यक है। क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है कोई मुझे सर्प रूप में आने के लिए विवश कर रहा है। काली शक्ति सामने आ, बता कौन है तू।